गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरिंथन एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th आरएस अग्रवाल मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20E। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज इतना मीटर, 330 मीटर। The track is 10.5 meter wide everywhere. Calculate the cost of putting a fence along the outer circle at the rate of rupees 20 per meter square. Okay, so देखिए, एक ऐसा track है। ओके, क्लियर। सो इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये जो है 330 मीटर है। ओके, एंड ये जो ट्रैक है ये 10.5 मीटर वाइड है हर जगह से। ओके, सो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है यहाँ पर, ये फेंस लगाने की, ये जो आउटर सर्कल है ना, ये तो फेंसिंग करने की 8 रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर। सो देखिए ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। सो पहले तो देखिए, ये जो है ट्रैक, ये 10.5 मीटर वाइड है। ओके, सो पहले तो हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2πr, ओके। नाउ सर्कमफेरेंस हमें 330 मीटर गिवन है एंड 44/7 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे देखिए, 2 × 22/7। सो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करिए तो 44 आ जाएगा, 44/7। So R equals to 330 multiplied by 7 divided by 44 equals to R. So 330 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5, ओके। एंड 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52.5 मीटर इक्वल्स टू आर, ओके। सो यहां मैं लिख देता हूं 52.5 मीटर, ओके। यहां पे भी पॉइंट दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा क्लियर कर। ओके, सो अब देखिए, हम ये जो है, हमें जो ट्रैक की विड्थ गिवन थी 10.5, इसमें हम 52.5 मीटर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 63 meter, ओके। नाउ इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाइड बाय 44/7, ओके। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ओके। ये चलिए फॉर्मूला से ही करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। 2πr 2 मल्टीप्लाइड बाय
22/7 multiplied by 63. 7 9s are 63. ओके नाउ 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396 मीटर. एक सेकेंड. हाँ जी ओके. सो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पुटिंग. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें फाइंड करनी है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 20 rupees गिवन है हमें पर मीटर. 396 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू रुपीज 7920. ओके क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 10 हैज टू बी डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है. वन सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर एंड अ सेकंड कॉन्सेंट्रेट सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 1 meter 26 centimeter. ओके हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल देन दैट ऑफ द फर्स्ट. ओके सो देखिए हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. हमें इन दोनों ये दो सर्कल्स हैं इनका हमें रेडियस 98 सेंटीमीटर और 1 meter 26 centimeter. सो ये जो 1 meter 26 centimeter है इसको हम पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके और हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेकंड सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस जो है फर्स्ट सर्कल से कितना ज़्यादा. ओके सो चलिए करते हैं क्वेश्चन. सो देखिए पहले तो हम इसका जो है जिस सर्कल का जो रेडियस है 98 सेंटीमीटर उसका हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे. सो देखिए पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं. मेंसुरेशन में फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके सो देखिए हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी. ओके तो ये जो है इस सर्कल का 98 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है और ये जो है दूसरा सर्कल आउटर सर्कल इसका रेडियस है 126 सेंटीमीटर. ओके सो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब यही होता है. ओके ये जो जैसे हमने फिगर बनाई है ना इसका मतलब यही होता है. एक ही पॉइंट से दो सर्कल बन रहे हो. ओके सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू 2πr 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 98. ओके नाउ 98 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14. नाउ 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर. ओके नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ
आउटर सर्कल. सो हमारा फॉर्मूला जो होता है सर्कमफेरेंस का वो 2πr होता है. 2πr. नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7. आर की वैल्यू हमें 126 गिवन है. नाउ 126 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18. नाउ 44 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 792 सेंटीमीटर. नाउ डिफरेंस इक्वल्स टू 616 माइनस सॉरी 792 माइनस 616 इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर. ओके क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 11 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आओ. ओके नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12. सुनाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है. अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके एक वायर है जिसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बेंड कर दिया गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो. ओके अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी 8.8 सेंटीमीटर साइड जो है मेजर करते हुए मतलब मेजर ऑफ साइड जो है वो 8.8 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो पहले तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके सो फिगर ऐसी बनेगी हमारी और जो साइड्स है वो हमें 8.8 सेंटीमीटर की बना. और ये जो वायर है इसको वापस बेंड कर दिया गया है. दिस वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग. ओके सो देखिए अभी हम पहले तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 8.8 फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके 8.8 प्लस 8.8 प्लस 8.8 इक्वल्स टू 26.4 सेंटीमीटर. सो देखिए अब जो सर्कमफेरेंस होगा उस सर्कल का वो भी इतना ही होगा. देखिए क्यों क्योंकि देखिए और मैंने इसका पेरीमीटर भी क्यों निकालना मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूँ. क्योंकि देखिए जो वायर है सपोज कीजिए ये वायर है. ओके इसकी लेंथ 26.4 सेंटीमीटर है. ओके और फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर्स का ईच साइड. अब इन सबको अगर मैं इस ट्रायंगल ये जो है अगर मैं इस वायर को खोलता हूँ जैसे अभी वायर ट्रायंगल की शेप में है जैसे मैं इस वायर को खोलूंगा सो ये ऐसे हो जाएगा. सो ये 8.8 है ये 8.8 है और ये 8.8 है. इनको प्लस करेंगे तो 26.4 आया
ओके अब देखिए मैंने ये क्यों निकाला पेरीमीटर, क्योंकि देखिए वायर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, अगर मैं एरिया फाइंड करता तो एरिया कुछ डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर सेम रहेगा, क्योंकि वायर की जो लेंथ है ना वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती है। ओके हमारे पास एक वायर है ओके जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ है ओके। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 26.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ सर्कमफ्रेंस, एक सेकेंड, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr ओके। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर ओके, और सर्कमफ्रेंस 26.4 आ जाएगा। नाउ आर इक्वल्स टू 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 44। नाउ 26.4 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6। नाउ 0.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.2। सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर। नाउ मैंने आपको बताया था कि 2R इक्वल्स टू डायमीटर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इक्वल्स टू डायमीटर, मैं पूरा लिख देता हूँ, ओके नौ यह जाएगा 8.4 सेंटीमीटर ओके ओके क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 12 हैज टू बी डन। आई होप आपको समझ आया। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।